পেছনেটা পোস্ট আছে, তাদের টান লাগছে, দুজনে পেছনে আছে, দুজনে পেছনে আছে। जैसे कि हमारी टीम यहाँ पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर 24th को ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे मॉर्निंग में। उसके बाद हमने यहाँ इनिशियली फर्स्ट फेज में हमने यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कैंपेन किया, डोर टू डोर हम लोग गए, सबको अवेयर किया कि एज सच इन केस ऑफ साइक्लोन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, फोन अपने मोबाइल चार्ज रखिए, खाने पीने की सामग्री एकत्रित करके रखिए, अननेसेसरीली आपको बाहर नहीं निकलना है। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर में, वहां पे लोग आए, रात को वहां पे रुके। इसके बाद जब इम्पैक्ट हुआ, होने के बाद आज सुबह मॉर्निंग सुबह 5 बजे से हमारी टीम निकली हुई है। लगभग हमने 10 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने क्लीन किया है। अभी जैसे कि आपने देखा, ये वाला जो रोड है जहां पे अभी हम खड़े हैं, हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, और यहाँ पे एक जो पेड़ है ये टिल्ट हो रखा था और दो इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में जो वायर्स है उनके ऊपर हैंग कर रहा था, तो ये काफी रिस्की था। फिर हमने अपनी रोप रेस्क्यू टेक्निक का यूज किया और अच्छे से इस एरिया को क्लीन ऑफ किया, ताकि यहाँ पे जो लोगों का आवागमन हो, एज क्योंकि ये प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है गोसाबा का, तो लोग सुचारू रूप से हॉस्पिटल जा सकें और जो लोगों की जो लाइफ है वो रिस्क पे ना हो, इसलिए हमें ये हमारा टॉप प्रियोरिटी था इसको क्लीन करना। और ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ के गोसाबा के पुलिस इंचार्ज से मिली थी और हमारी टीम क्विकली यहाँ पे रिस्पॉन्स करी। और इन द मीन टाइम हमने सुबह से अभी तक 22 पेड़ को क्लीन ऑफ कर चुके हैं। जो मैक्सिमम जो हमें मिले वो रोड्स के टी जंक्शन पे मिले और जो उन रोडों पे मिले जो गांव से जो गोसाबा जो ब्लॉक है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी टीम ने लगभग सुबह से ही अभी तक जो भी हमें टास्क मिला वो हमने सारा सक्सेसफुली अभी तक कम्प्लीट किया है। ये जो साइक्लोन है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट गोसाबा को ही देखा जाए।
यस मैम, यस मैम। मैम साइक्लोन का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा तो है क्योंकि थ्रू आउट कल से ही यहाँ पे रेन है कंटिन्यू और जो विंड की स्पीड है वो भी काफी हाई है। बट हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पे, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, 24 तारीख से है और हमारी जो प्रेजेंस है 3 सब टीमों में भी डिप्लॉयड है। कहीं से भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें आती है या फिर हमसे हेल्प मांगते हैं तो हमारी जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग यहाँ पे और भी समय तक रहेंगे, तो हमारी जो पोस्ट एक्टिविटीज होंगी वो हम पूरी करेंगे। अगर हमें अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम थ्रू आउट हम काम करते रहेंगे। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर निर्भय शंकर सिंह, सब टीम कमांडर, 2nd बटालियन NDRF, हरिन घाटा, कोलकाता से।